कबीर हरी रस यों पिया, बाकी रही ने थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ाई चाकी। इस दोहे का शब्दार्थ है कि कबीर हरी रस यों पिया, इसमें हरी रस मतलब ईश्वर के नाम का सुमिरन, बाकी रही ने थाकी, इसमें थाकी का मतलब है थकावट, पाका कलश कुम्हार का मतलब पक्का घड़ा कुम्हार का, बहुरी ने चढ़ाई चाकी मतलब दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ेगा, चाकी वो होती है जिस पर घड़े को बनाया जाता है। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने हरि के नाम के रस का पान किया है और इतना रस पान किया है कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, पूर्णता को प्राप्त हो गया हूँ। जैसे पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, वैसे ही अब मुझे दोबारा इस जगत के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने चरम को प्राप्त कर लिया है। इसी पर संत कबीर दास जी ने कहा है, कबीर हरी रस यों पिया, बाकी रही ने थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ाई चाकी।